हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक और सारा दिन मेरे जीवी किंगडम में। तो भाई साहब, आज के इस वाले एपिसोड में हम लोग को बहुत ज़्यादा काम, तो अभी सीधे निकल जाते हैं काम करने के लिए, क्योंकि आज हम लोग बनाने वाले हैं इस पूरे माइनक्राफ्ट का वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट वुड फार्म। एंड और उसको बनाने के लिए हम लोग को पहले मटेरियल इकट्ठा करना पड़ेगा। और पहले मैं तुम लोग को अपनी ऑफलाइन प्रोग्रेस दिखा देता हूँ। वो नेदर पोर्टल वाले एरिया की थोड़ी सी है ना, सो मैंने जो है ना नेदर पोर्टल को एकदम ऑफलाइन नेदर जाके एकदम डेकोरेट कर दिया है। और ग्लोइंग सैक जो है ना, वो मुझे ग्लोइंग स्क्विड मिला था उससे। देखो नेदर एरिया, इस साइड भी नेदर एरिया, ये देखो मेरे ख्याल से मुझे अच्छा लग रहा है ना। ऊपर से एकदम ग्लोस्टोन, जैसे मैंने बोला था ग्लोस्टोन एंड शूम लाइट। एंड इधर मैंने वार्प्ड वाले लगा दिए, इधर मैंने क्रिम्सन के लगा दिए हैं, हाफ हाफ डिवाइड करके। एकदम मस्त लग रहा है ना, बाहर से भी सही लग रहा है, इसका छत व्यू बहुत सही है। एंड यही हम लोग की ऑफलाइन प्रोग्रेस। एंड आज हम लोग बनाने वाले हैं एक तगड़ा सा वुड फार्म। तो उस वुड फार्म के लिए मुझे एरिया पहले देख लें दो, किस एरिया पर बनाया जाए। बहुत ही कंफ्यूजिंग है ये, बट मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा इसके पीछे, थोड़ा सा यहाँ पे, इधर साइड कहीं पे, मेरी माइंड ना ब्लॉक हो बस। हाँ यहीं पे कहीं पे, इधर कहीं पे, ये एरिया सही लग रहा है ना। हाँ यहाँ बना दे सकते हैं। तो तुम लोग मुझे बस 2 मिनट दो, मैं एरिया प्लान करके मिलता तुम लोगों से, बस 2 मिनट में। मैंने पूरा का पूरा एरिया सपाट कर लिया है। लिटरली मुझे एरिया टोटल सपाट करने में लिटरली 1.5 घंटा लग गया। आई डोंट नो वाई, बट मुझे पूरा का पूरा 1.5 घंटा लग चुका है ऑलरेडी। एंड एरिया तुम लोग को दिखाता हूँ मैं, ये देखो थोड़ा सा चपटा तो कर दिया भाई। और एक महीनों का यहाँ पे पूरा फार्म आने वाला भाई, इस पूरे चपटा करने में ना जो हालत ख़राब हुई है ब्रदर, भाई क्या ही बताऊँ मैं, क्या ही हालत ख़राब हुई है मेरी। अब मैं तुम लोग को सामान की जो है वो लिस्ट बता देता हूँ कि हम लोग को बनाना क्या गया है। तो देख लो, मैंने एकदम नोट करके रखा है पेपर में। एक हम लोग को चाहिए बैरल, और एक हम लोग को चाहिए बैरल, एक हॉपर, एक डिस्पेंसर, एक ऑब्जर्वर, नहीं 4 ऑब्जर्वर, और 55 पिस्टन, और क्या कहते हैं 46 रेडस्टोन डस्ट, और 4 रिपीटर, और 1 लीवर, 2 ग्लास, 2 स्टैक स्टोन ब्रिक्स, है ना। तो स्टोन ब्रिक्स मतलब चाहिए तो नहीं, मगर मैं तब भी बना रहा हूँ जैसे इन केस। और सबसे ज़्यादा भाई इसमें पिस्टन देखिए कितने लगेंगे, 55। देख लेते हैं कितने पिस्टन कैसे बनते हैं। आयरन चाहिए, आयरन तो है मतलब भर का भाई। लकड़ी का फार्म बनाने के लिए लकड़ी चाहिए ब्रदर, एक्स भी बनानी पड़ेगी, एक्स से मैं तुम लोग को पिस्टन बना के मिलता हूँ भाई 2 मिनट में। ओके प्लैंक्स, या कितने आई एस 155 × 3, यानी कि 165, यानी कि अरे हो जाएगा यार, तुम क्या बात करते हो भाई, हो जाएगा। मेरे पास कुछ प्लैंक्स उसमें भी तो पड़े होंगे, चेस्ट में, चेस्ट से निकाल के करेंगे ना। और ये मैं एक्स लेके चल रहा हूँ, एक ना एक स्क्रिप्ट कर दूंगा तब समझ में आ जाएगा क्या करना होता है। पिस्टन बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, पिस्टन, ये रहा पिस्टन, रेड स्टोन कहीं पड़ा तो होगा ज़रूर, कहीं ना कहीं तो लिख के ले लो पड़ा होगा। 55 रेड स्टोन चाहिए, नहीं है क्या, अरे यार ये तो बड़ी दिक्कत की बात है फिर। अरे नहीं है यार, क्या बात करते तुम लोग भाई, एकदम ही गजब बात करने लगते हो यार। 11, अच्छा कॉबल स्टोन नहीं है, ओह गचे, 11 बन चुके हैं कॉबल। अब डोंट टेल मी मेरे पास कॉबल नहीं है। 10 तो ये रहा, 2 ये रहा, भाई मेरे पास कॉबल नहीं है लिटरली। अरे भाई ये क्या बात कर दी मैंने, कॉबल कैसे मेरे पास नहीं होगा, उठा ले, अच्छा उठा ले। पिस्टन 3, अबे आयरन का, अबे यार एक एक करके सारा सामान आ रहा है भाई, दिमाग खराब। आयरन की वैसे यार कमी हो रही है, अब केव में जाके माइन करना पड़ेगा। 16, और अब क्या किसकी चमक कमी पड़ गई भाई साहब, अच्छा वो कॉबल स्टोन की। भाई कॉबल कितना ज़्यादा लग रहा है ब्रदर, इतना भी नहीं है, 64 ही है बस। और अब नहीं 64 नहीं, 64 प्लस 2, 16 यानी 46 बनेंगे भाई। अब किस चीज़ की कमी पड़ रही है, डोंट टेल मी अब मेरी फिर से कॉबल की कमी पड़ रही है।
अब यार कॉबल की कमी पड़ रही है, दिमाग खराब। ये दो हैं बस मेरे पास, और है भी नहीं यार। कॉबल स्टोन की किसको कमी पड़ती है। अब एक पिस्टन और बना सकता हूँ मैं। हाँ 47, 4 × 4 = 9, 36 कॉबल अभी मुझे और चाहिए। अभी इसको तोड़ो ना, ये क्या बनाया मैंने फालतू का, इसमें कॉबल पता नहीं क्यों लगाया इतना मैंने। इसे तोड़ूंगे अपने आप भाई, सफाई भी हो जाएगी, ऑफलाइन काम भी हो जाएगा, अरे टूट भी जाएगा, खत्म बात। मैं तोड़ के मिलता तुम लोगों से इसको 2 मिनट में। 37 कॉबल स्टोन इकट्ठा कर लिए हैं एंड अब मैं जा रहा हूँ सीधे पिस्टन बनाने अपने बच्चे कुचे। भाई साहब कॉबल स्टोन की वजह से पिस्टन बनाना रुक गया हम लोगों का। 3 व्हाट, अब क्यों, अभी मेरे, व्हाट द हेक भाई, अभी मैं बाहर निकला हूँ तभी इन लोगों को नहीं याद आ रहा है कि प्लैंक्स भी बनाना है। अब जाके बता रहे कि प्लैंक्स भी चाहिए भाई साहब। अब 5 पिस्टन और चाहिए, 3 × 5 15 मुझे ओक लॉग्स और चाहिए। ओक लॉग्स 15 तो यार बहुत कम है यार, इससे ज़्यादा तो मैंने माइन किए हुए हैं। ये मैं स्प्रिंट, अच्छा मुझे लगा मैं स्प्रिंट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। मैं तुम लोग 15 लोग माइन करके मैं तुमसे डायरेक्ट पिस्टन बना ही के मिलता हूँ भाई, क्या टाइम पास कर रहा हूँ मैं जो है ना। ये सब देखो, ये काम चल रहा है हम लोगों का अलग ही। इसमें थोड़े से स्टोन और स्मेल्ट हो रहे थे वो भी हो चुके हैं एंड मैंने जो है सारा का सारा जो अपना सामान है वो देखो कि अपनी इन्वेंटरी में भर लिया है। अब हम लोग सीधे का सीधे वुड का फार्म बना सकते हैं। मैंने सारा का सारा सामान जो है वो ऑलरेडी इकट्ठा कर लिया है, तो अब हम लोग जा रहे हैं वुड का फार्म बनाने अपने एरिया, अपने प्लेन एरिया पे चलते हैं फटाफट से। ये रहा मेरा प्लेन एरिया। तो हम लोग को सबसे पहले जो है ये डिस्पेंसर लेना है, और डिस्पेंसर को जो है इससे 3 ब्लॉक के गैप पे बनाते हैं। डिस्पेंसर को हम लोग को यहाँ लगा देना है एंड इसके जस्ट इस साइड हम लोग को लगाने हैं हम लोग के 5 पिस्टन, 1, 2, 3, 4। एक इधर लगा लेते हैं टेम्परेरी, एक हो गया। अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, एक हो गया, अरे यार लग ही नहीं पा रहा, एक हो गया 5 है ना, ये 5 पिस्टन हो गए। अब इसके बाद हम लोगों को एक हॉपर लेना है। मैं तुम लोगों को क्या समझा रहा हूँ यार, ट्यूटोरियल मुझे नहीं आता भाई, मैं सीधे मुंह पे बोल रहा हूँ, मुझे नहीं आता ट्यूटोरियल करना, ट्यूटो करना। तुम लोग भाई तुम लोग उसमें देख लेना क्या कहते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसमें जाके देख लेना। तुम लोग बाकी 2x में देखो मेरा बिल्ड।
सो मेरा फार्म जो है वो बन चुका है ना ऑलमोस्ट। यप, एक बस ये एक चीज़ करनी है, कर दो एंड एक, और फिर यहाँ पे दो ब्लॉक्स तोड़ने हैं एंड देन उन लोगों का पूरा फार्म जो है वो रेडी है। एंड पहले लोग जो मैं सो के आता हूँ एंड इस फार्म को वर्क करने के लिए आएगा, तुम लोगों ने बहुत सारे यूट्यूबर्स का देखा होगा कि ये वाला फार्म बनाते हो, ट्री फार्म, वुड फार्म। और अभी हम लोग ज़रा फटाफट सो के आते हैं एंड सो के मिलता है तुम लोगों से ज़रा एक सेकेंड, बस खाना खा लिया रात का। भाई जितना टाइम मुझे सामान इकट्ठा करने में लगा ना, उससे कम लगा बनाने में, सही से बताऊँ तुम लोगों को तो, गलत गलत बताना तब तो भाई यार क्या बोल रहा हूँ मैं, फालतू की बात, जल्दी सोते हैं भाई। एंड अब हम लोग को चाहिए सैपलिंग और बोन मील, तो बोन मील के पास कहाँ से आने वाली है, तो इसके लिए हम लोगों को एक और फार्म बनाना पड़ेगा, उसकी भी लिंक मैं तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो हो गया एक बोन मील फार्म। तो अभी हम लोग फटाफट जा रहे हैं एक बोन मील फार्म बनाने, बिकॉज इसको वर्क कराने के लिए। देखो अभी यार लीवर मैंने खुला छोड़ दिया, देखे एक सेकेंड वॉल्यूम बढ़ाओ यार, अच्छा नहीं खुला, नहीं अभी अब खुलेगा, ये रेडस्टोन ब्लॉक काम कर रही है। एंड हम लोग के पिस्टन जो है देखो, अगर मैं ये देखो ये इधर, अच्छा नहीं सॉरी, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, ऑब्जर्वर है तो ये देखो पिस्टन ने ढकेल दिया ना, एंड सारे पिस्टन मेरे काम कर रहे हैं इस इधर, अच्छा नहीं सॉरी इधर नहीं, इधर भी लगाऊंगा, तो देखो पिस्टन ने ढकेल दिया भाई, पूरे का पूरा फार्म एकदम अच्छे से वर्क हो गया। और इतना एरिया मैंने प्लेन ही इसलिए किया था क्योंकि मुझे जो है वो क्या कहते हैं बोन मील फार्म बनाना था। तो अब चलते हैं भाई सब फटाफट बोन मील फार्म का वो क्या कहते हैं सामान इकट्ठा करने के लिए। तो मैंने जो है यहाँ पे पूरा सामान इकट्ठा कर लिया, दो स्टिकी पिस्टन, दो पिस्टन, एक चेस्ट, छः हॉपर और एक रिपीटर और दो कंपोस्टर ब्लॉक्स और यही सब, बाकी 14 रेडस्टोन, ये सब जो बच्चा खुचे वाला है। अब हम लोग को बनाना है अपना प्यारा सा बोन मील फार्म।
से हमने चीज़ें पढ़ी तुरंत उनको डिलीट कर दिया गया भाई। फार्म की टेस्टिंग कर ली जाएगी है, 4 सैपलिंग है, 11 13 हो गए है ना। अब एक हम लोग इधर सैपलिंग लगा लेते हैं एंड हम लोग एक दो ब्लॉक यहाँ पे आधे तोड़ देते हैं काफ़ी ब्लॉक्स ना, एंड देन हम लोग जाएंगे इधर और इसे एक्टिवेट कर देते हैं। अच्छा ओ सॉरी 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 मैंने बोन मील ऊपर डाले। यस अब देखते हैं, ओ लेट्स गो लेट्स गो ब्रदर लेट्स गो ब्रदर अरे ब्रदर अच्छा बोन मील भी खत्म हो गया ब्रदर। चलो कोई बात नहीं ब्रदर यार सॉरी बात करके। अच्छा सैपलिंग नहीं मिला मैंने मिल बोन मील है सॉरी ब्रदर। अबे यार बोन मील खत्म हो गई और यार भाई अच्छा काम काम कर रहा है वैसे। 7 बोन मील मिल गई मुझे अभी तुरंत जैसे डालो जरा। यस इट इज वर्किंग ब्रदर। आज की वीडियो का टास्क हो गया कंप्लीट भाई साहब। दिमाग खराब हो गया मेरा। इसे बंद करो ये टॉटा टटा कर रहा है टक 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 टक। बंद हो गया। चलो भाई भाई साहब आज की वीडियो का टास्क भाई जो ही टाइम लगा है बस मैं मतलब कम से कम नहीं भी तो 7-8 घंटे लगे होंगे मुझे टोटल ब्रदर भाई। सो लिया जाए भाई और इसके बाद कर देते हैं अपनी इस वीडियो को एंड। अगर आप लोगों को लाइक करना चैनल पर सब्सक्राइब करना मैं उनको सब समझने की जोड़ के साथ भाई साहब आज के एपिसोड में हम लोगों ने बना लिया वुड फार्म एंड बोन मील फार्म भाई साहब जो मजा आई है ना भाई साहब आज क्या ही बताएं। बट बहनों के फ्यूचर के बहुत सारे इवेंट्स हैं भाई साहब उन इवेंट्स को पूरा करना है ब्रदर। तो अगर आप लोगों को लाइक करना चैनल पर सब्सक्राइब करना मैं उनको सब समझ नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए स्टे ऑसम मैन बाय।